हे गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ मोबाइल फ़ोन्स कंपेयर करेंगे, जैसे वीवो V9, ओप्पो F7, हुआवाई P20 लाइट, सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस। तो दोस्तों, आज हम ये चार फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में जानेंगे। स्पेसिफिकेशन में जानेंगे कि इनकी कुछ जनरल चीज़ें और ये फ़ोन किस तरीके से डिजाइन है और इनकी डिस्प्ले की क्वालिटी क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, स्टोरेज क्या है, कैमरे क्वालिटी क्या है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैटरी इनकी कितनी बैकअप है, और इन चार फ़ोन्स में क्या इनकी खुद की स्पेशल फीचर्स हैं, और इनके प्राइस के बारे में भी जानेंगे हम लोग। हाँ, तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये चार फ़ोन के कंपेरिजन, वीवो V9, ओप्पो F7, हुआवाई P20 लाइट, सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस। तो इनके कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे इनकी लॉन्चिंग डेट V9 April 2 को, F7 April 2 को, हुआवाई P20 है May 3 को, और सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस है May 22 को। वीवो V9, ओप्पो F7, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम है 8.1 ओरियो, पर हुआवाई P20 लाइट और गैलेक्सी A6 प्लस की है एंड्रॉयड 8। ये भी ओरियो है, पर ये एंड्रॉयड 8 ही है, और ये दोनों की कस्टम UI आप देख सकते हैं, सिम स्लॉट देख सकते हैं, और सिम साइज देख सकते हैं, और नेटवर्क देख सकते हैं। और ये चार मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेंगे, और क्विक चार्जिंग सिर्फ आपको हुआवाई P20 लाइट में ही मिलेंगे। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप ये सारी फ़ोन की समरी देख सकते हैं, जैसे डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, कैमरा, बैटरी। यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक छोटे से समरी में देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको फुल डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे आप सारे चीज़ देख सकते हैं, पूरा समरी आप यहाँ पर एक बार पढ़ लें। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। दोस्तों, इनकी डिस्प्ले की बात करेंगे तो V9 की डिस्प्ले 6.3 इंच, और F7 की है 6.23 इंच, White P20 की है 5.84, और Samsung की है 6 इंच। और इनकी स्क्रीन रिजोल्यूशन सबकी सेम है, 180x2280 पिक्सल है इनकी, सब सेम है साइज चारों फोन्स की। पिक्सल डेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस है, डिस्प्ले टाइप IPS LCD सब है, पर Samsung की सुपर एमोल्ड है, और गोरिल्ला ग्लास, कैपेसिटिव टच, और स्क्रीन बॉडी 84.87%, 82%, 80%, 75%। यहाँ पे भी आप ये चारों फ़ोन की कंपैरिजन कर सकते हैं, पर यहाँ Samsung Galaxy A6 Plus की डिस्प्ले अच्छी है, सुपर एमोल्ड, ये बहुत अच्छा है यार। यहाँ बाकी जैसे देख रहे हैं IPS LCD सिर्फ है, पर Samsung कुछ अलग लाया है। और आप सारे मोबाइल के डिस्प्ले की कंपैरिजन यहाँ कर सकते हैं। अब हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम ये फोर मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें इनपुट हैं, इनका वेट, बिल्ड मटेरियल, डायमेंशंस, कलर्स, तो यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम ये फोर मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। V9 में है स्नैपड्रैगन 626, ओप्पो F7 में मीडियाटेक हेलियो P60, हुआई P20 लाइट में है हे सिलिकॉन किरिडिन 659, सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस में है स्नैपड्रैगन 450। ये सारे फ़ोन ऑक्टा कोर पे ही अवेलेबल हैं, 64 बिट पे हैं सारे, और ग्राफिक्स भी देख लीजिए सबकी अलग है, और रैम सबकी सेम है। आप यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो ओप्पो F7 की प्रोसेसर यहाँ बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, इनके जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छी लग रही हैं, और ग्राफिक्स भी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो ओप्पो F7 ही अच्छी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। अब हम बढ़ते अपने अगले स्लाइड पे। हाँ, तो भैया, हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इन फोन्स के स्टोरेज के बारे में। इनकी एक्सपेंडेबल मेमोरी लग सकती है 256 GB तक सभी फोन्स में, और यूजर अवेलेबल स्टोरेज है 49.7 GB, मतलब सभी फोन्स के 50 GB तक है। वीवो V9 ओप्पो F7 में USB OTG सपोर्टेड है, जो कि हुआई P20 लाइट और सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस ये फीचर्स हम लोग को नहीं दे रहे हैं, इनमें ये USB OTG सपोर्टेड नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ स्टोरेज देख लीजिए, और बढ़ते हम अपने अगले स्लाइड पे। हाँ, तो फ्रेंड, अब हम आते हैं इन फोन्स के कैमरे पे, जो कि जब कोई मोबाइल लेता है तो वो सबसे पहले कैमरा ही देखते हैं, क्योंकि आजकल लोग सेल्फी ज्यादा लेते हैं। तो आइए अब हम इन फोन्स के कैमरे पे चलते हैं। इनका जो मेन कैमरा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन में, 60 MP प्लस 5 MP है ड्यूअल प्राइमरी कैमरा V9 का, F7 का 60 MP है, Huawei का 60 MP प्लस 2 MP ड्यूअल कैमरा है, और Samsung Galaxy A6 प्लस का 60 MP प्लस 5 MP ड्यूअल कैमरा है। सेंसर V9 और F7 में सिर्फ है CMOS इमेज सेंसर, और Huawei में और Samsung में ये अवेलेबल नहीं है, और इनमें ऑटो फोकस सब में है, कैमरा LED फ्लैश है, रिजोल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं, सेटिंग भी देख सकते हैं, शूटिंग मोड भी देख सकते हैं, और कैमरे फीचर्स देख सकते हैं सबकी। तो यहाँ से आप इनकी सारी कैमरे की डिटेल देख सकते हैं। मुझे वीवो V9 के कैमरे
इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने सेंसर के साथ 60 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डुअल प्राइमरी कैमरेज दिए हैं। इसमें भाई डेफिनेटली बात है कि इमेज अच्छे आएंगे ही। तो आप यहां से पूरी इसकी डिटेल देख लीजिए और हम बढ़ते अपने अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में आप इन फोन्स के फ्रंट कैमरे की भी जानकारी देख सकते हैं। रिजोल्यूशन, सेंसर, ऑटो फोकस, इन सभी मोबाइल्स के कैमरे 24 मेगापिक्सल है पर ओप्पो F7 के 25 मेगापिक्सल है। तो आप यहां से ये पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब बढ़ते अपने अगले स्लाइड पे। हाँ तो भैया, अब हम आ गए हैं बैटरी सेक्शन पे, जो कि हर मोबाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बैटरी बैकअप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैटरी बैकअप की सारी इन्फॉर्मेशन। V9 की है 3260 MHz की, F7 की है 3400 और P20 Lite की है 300 और Galaxy A6 Plus की है 3500। यहाँ तो बैटरी बैकअप Samsung Galaxy A6 Plus की अच्छी लग रही है, पर वो फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं दिए हैं और फास्ट चार्जिंग सिर्फ Huawei P20 Lite में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैटरी बैकअप की जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी देखेंगे सारे मोबाइल्स के। इसमें आप सिम साइज, वोल्टी, सिम 1, सिम 2, ब्लूटूथ, GPS, NFC, USB कनेक्टिविटी, USB टाइप सब देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। इसमें आपको FM रेडियो, लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक 3.5 mm मिल जाएगा। इस सारे फोन में आपको स्पेशल फीचर्स एक जैसे मिलेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर सब में है, फिंगरप्रिंट सेंसर पोजिशन सब में है और अदर सेंसर भी, जो की लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, ये सब इसमें सारे फोन में अवेलेबल है। इसमें कोई भी अनदर स्पेशल फीचर नहीं है जो की किसी एक मोबाइल में हो, ये सारे मोबाइल एक जैसे ही है, सारे फीचर्स एक जैसे ही हैं। अब हम बात करते हैं इन फोन्स के प्राइस की। तो Vivo V9, Oppo F7, Huawei P20 Lite, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 20-21,000 और Samsung Galaxy A6 Plus आएगी 26,000 के अप्रॉक्स में। तो फ्रेंड, आप ये चार फोन यहाँ पे कंपेयर कर लिए तो मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ। सबसे नंबर वन पे अगर लेना चाहे तो Oppo F7 ले सकते हैं, उसके बाद Samsung Galaxy A6 Plus ले सकते हैं सेकंड पे है, थर्ड पे है Vivo V9 और फोर्थ पे है Huawei P20 Lite। तो फ्रेंड, Samsung Galaxy A6 Plus जाएगा 26K अप्रॉक्स में प्राइस, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि Oppo F7 20,000 से कम में है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छी है और इसके कैमरे भी अच्छे हैं और इसके प्रोसेसर भी अच्छे हैं। आप यहाँ पूरा डिटेल देख के आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है। तो गाइस, आप यहाँ पूरी डिटेल देख के समझ के तब इन चार में से कोई भी मोबाइल लीजिए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।